विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। परम भक्त मूषक जी की जय। भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। ये भक्त शिरोमणि है तो मैंने जो किया वो व्यर्थ है क्या? भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। बहुत चहचहाहट कर दी आप सभी ने। जिसने कुछ नहीं किया उसे कैसे विजय घोषित कर दिया आपने? छलिया, तुम्हारी पराजय तो प्रतियोगिता के इस भाग के आरंभ से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि तुमने मेरे ही निर्णय पर संदेह किया था और मेरे स्थान पर यहाँ उपस्थित सभी को निर्णय लेने के लिए चुना था। जो अपने भगवान के प्रति समर्पित है उसके मन में अपने आराध्य को लेकर कोई संदेह कैसे आ सकता है? भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा का भाव विजय के प्रति आसक्ति का परिचायक है, भक्ति का नहीं। और वैसे भी भक्ति नहीं, सहन शक्ति को प्रमाणित किया है तुमने, तो फिर तुम विजयी कैसे हो सकते हो? अतः प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता मूषक जी हैं। अब छलिया को अपनी पराजय को जय में बदलना ही होगा, मात्र उसके लिए ही नहीं अपितु क्रूरासुर जी के लिए भी, जिसके लिए उसे उचित योग्यता का चुनाव करना होगा जिससे युद्ध का आरंभ हो सके और मैं क्रूरासुर जी को आक्रमण करने का संकेत दे सकूं। अब प्रतियोगिता के दो भाग के बाद मूषक जी और छलिया दोनों बराबरी पर हैं। और अब अगला भाग छलिया की शक्ति के अनुसार उनके चुनाव पर आधारित होगा। तो मैं बल, शारीरिक बल का चुनाव करता हूँ जिसमें मूषक अवश्य मुझसे हीन है। एवं इसके लिए रसक ही से अधिक उचित और क्या होगा? रसक हीच? ये कैसा मूर्खता भरा प्रस्ताव दिया है इसने? मेरे स्वामी क्रूरासुर जी को ये कदापि नहीं भाएगा। आक्रमण के लिए सेना तैयार भी है और तत्पर भी, किंतु ये मकड़ राक्षसी कहाँ मर गई? इसने अभी तक कोई संकेत क्यों नहीं दिया? क्या उन दोनों मूषकों के मध्य युद्ध अभी तक आरंभ ही नहीं हुआ? जो भी दूसरे प्रतिद्वंदी को इस रेखा के दूसरी ओर खींचने में सफल होगा वही विजयी होगा। पुरानी मित्रता है हमारी, तो प्रतियोगिता के इस भाग से पहले एक बार अपने मित्र से गले तो मिलो। ये बात मित्रता की कर रहा है, पर मन में अवश्य कोई छल है। संकोच मत करो मित्र, बचपन के मित्र हैं हम, तो एक बार तो गले मिल ही सकते हैं। नहीं नहीं, उसके शब्दों को मैं अपने मन में नहीं गूंजने दूंगा, उन्हें रोक दूंगा मैं। ये क्या कर रहे हैं दोनों? एक दूसरे से विपरीत दिशा में रहकर रस्सी खींच स्पर्धा पूर्ण कैसे हो पाएगी? क्रूरासुर जी ने जो मुझे मायावी शक्तियाँ दी हैं उसके समक्ष तुम तो क्या, तुम्हारे गणेश जी भी नहीं टिक पाएंगे। ओम गण गणपतये नमः। उत्तम मूषक जी, उत्तम।
मूषक जी और शक्ति लगाइए। तुम्हारे मन में तो मेरे ही शब्द गूंज रहे होंगे, इसलिए पराजय तो तुम्हारी ही होगी। कितनी भी शक्ति लगा लो मूषक असुर, तुम्हारे मन में तो मेरे ही शब्द गूंज रहे होंगे, इसलिए पराजय तो तुम्हारी ही होगी। मेरा सामना करने की तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय, तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। देखते हैं इसमें कौन जीतता है। बस बस गणेश जी का वाहन बनने का तुमसे छीन लूंगा, छीन लूंगा। तुम्हारी तो निश्चित है। स्मरण रखिए मूषक जी, विश्वास में ही श्वास है। किसी के भी नकारात्मक शब्दों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेरा सामना करने की मेरा सामना करने नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। हाँ मूषक जी, थोड़े और बल का प्रयोग कीजिए। हाँ मेरा सामना करने की तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय, तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। मूषक जी संतुलन बनाइए अपना। मेरा सामना करने की तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर। विजय हुआ ना मैं, अब तो मेरी विजय स्वीकार कर मुझे विजय घोषित करेंगे ना आप सभी। छलिया का ये प्रदर्शन तो अत्यंत प्रभावशाली था, किंतु अब इनमें युद्ध होना चाहिए जिसमें ये दोनों एक दूसरे को आहत करें। हमारी योजना तो इन दोनों के अंत में ही पूर्ण होगी। प्रतियोगिता के इस भाग में विजय छलिया की ही हुई। प्रभु इस पे तो अब खड़े होने की भी शक्ति नहीं, और मैं दो बार जीत चुका हूँ। तुम मुझे ही विजय घोषित कीजिए और अपना वाहन बना लीजिए मुझे। नहीं छलिया, प्रतियोगिता में उस निर्णय का कोई महत्व नहीं जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी को समान और पूर्ण रूप से अवसर ना मिले। इसलिए प्रतियोगिता का ये चौथा और अंतिम भाग मूषक जी के चुनाव के आधार पर होगा। मूषक जी जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। इसलिए कीजिए अपना चुनाव और पूरे मन से विजय का प्रयास कीजिए।
जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। प्रभु, मैं ध्यान योग स्पर्धा युग का चुनाव करता हूँ। ध्यान योग स्पर्धा, वो क्या होता है? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। क्या ये मूषकों की कोई विशेष प्रथा है? नहीं वीरबाव, ध्यान योग स्पर्धा अर्थात ध्यान योग मुद्रा में स्थिर रहकर एक दूसरे के साथ अपनी काल्पनिक शक्ति से युद्ध करने की स्पर्धा है। इसमें ये दोनों केवल अपनी कल्पना शक्ति से ही एक दूसरे पर वार कर सकेंगे। ये क्या हो रहा है? ये दोनों बैठ क्यों गए? इतना विलंब क्यों? क्यों नहीं मिल रहा है आक्रमण करने का कोई भी संकेत मुझे? कदाचित भोजन के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ तुम्हारा, और तुम्हें भूख भी लग रही है, इसलिए तुमने मोदक का अवतार चुना है ना? मैं अभी तुम्हारी भूख भी मिटा देता हूं। विचित्र युद्ध है ये। युद्ध करने के स्थान पर ये कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं ये दोनों? देख रहे हो, गणेश जी का वाहन अब मूषकासुर की भांति कठोर नहीं रहा, कोमल हो चुका है, इसलिए तुम इस प्रकार के कोमल अवतार ले रहे हो। तुम्हारी पराजय निश्चित है। ध्यान में भी तुम मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सकोगे, तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। ध्यान में भी तुम मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सकोगे, तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। उठिए मूषक जी, है तो ये दोनों अपने ही स्थान पर, किंतु ऐसा लगा दोनों ने एक दूसरे के मुख पर वार किया हो। देखो देखो, मैं तुम्हारे समान कोमल और दुर्बल नहीं हूँ, मैं अत्यंत बलशाली हूँ, इसलिए इस समय मैंने कठोर अवतार लिया है जो तुम्हें मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिकने देगा। इसके शब्दों पर नहीं,
मुझे अपना ध्यान प्रभु के वचनों पर लगाना चाहिए और उन्हीं के अनुसार आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। क्रीड़ा करते करते अंततः इनमें युद्ध प्रारंभ तो हो गया। अब तो ये दोनों एक दूसरे को आहत कर ही देंगे और तब क्रूरासुर जी को इनसे कोई भय नहीं होगा। अर्थात क्रूरासुर जी के आक्रमण का उचित समय हो गया है। आप स्वयं पर विश्वास कीजिए, फिर मुझे विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। अब तुम मुझसे सुरक्षित नहीं रहोगे। प्रभु पर विश्वास मेरी रक्षा करेगा, उनके शब्द मेरा मार्गदर्शन करेंगे। सेना आगे बढ़ो और आक्रमण करो। श्री गणेश जी सम्मुखाई सम्मुखाइए। क्रूरासुर आपको युद्ध की चुनौती दे रहा हूं। दोनों अभी भी सुरक्षित खड़े, किंतु क्रूरासुर जी को तो इनके आहत होने के बाद ही आना था। अर्थात मैंने क्रूरासुर जी को संकेत देने में शीघ्रता कर दी। युद्ध की ललकार देने वाला यह दुष्ट कौन है? सर्वप्रथम इसे देव सेनापति का सामना करना होगा। नहीं भ्राता, उसने मुझे चुनौती दी है तो उसका सामना मुझे ही करना चाहिए। प्रभु, आप युद्ध करने जाएंगे तो मैं आपको युद्ध भूमि में ले चलने के लिए तत्पर हूँ। नहीं नहीं, दो बार का विजेता हूँ मैं, इसीलिए इस युद्ध में वाहन बनने का अधिकार तो मेरा ही है। किंतु अभी प्रतियोगिता का एक भाग तो शेष है, अभी प्रतियोगिता पूरी नहीं हुई है। और गणेश ने स्पष्ट कहा था कि जो भी इस भाग में जीतेगा विजय वही कहलाएगा। मूषक गणेश जी के साथ रहा तो क्रूरासुर जी पर संकट आ सकता है। तू कर्ण प्रचारण, क्या किन कर्णों तक मेरी चुनौती नहीं पहुंची? या फिर भय के कारण आपको मेरी चुनौती स्वीकार नहीं है? तो क्या हुआ यदि प्रतियोगिता के चौथे भाग में मैं विजयी नहीं हुआ तो? अभी तक मैंने इतना तो प्रमाणित कर ही दिया है कि मैं मूषकासुर से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हूँ। प्रतियोगिता अभी संपन्न नहीं हुई छलिया, उसका अंतिम भाग तो अधूरा ही है, तो इस युद्ध को ही उसका अंतिम भाग समझकर अपनी प्रतियोगिता को पूर्ण कीजिए। तो क्या गणेश जी हम दोनों को युद्ध में भाग लेने को कह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? क्रूरासुर ने तो इन दोनों को अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाई थी और ये दोनों उन्हीं से युद्ध करने जा रहे हैं। मूषक जी मेरे वाहन हैं और तुम छलिया मेरे वाहन बनना चाहते हो और कदाचित उसके योग्य भी हो, तो दोनों को ही मेरे साथ युद्ध में भाग लेकर पूर्ण सामर्थ्य से मेरे प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देना होगा।
जो ऐसा कर स्वयं को प्रमाणित करेगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मेरा वर मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है, और तुम तो ऐसा करोगे नहीं क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, परम मित्र। तो फिर कौन शेष बचा? महिषासुर। मैं चला तो जाऊं गणेश जी के साथ, किंतु क्रूरासुर जी ने कहा था अब परिणाम जो भी हो मुझे जाना तो होगा ही। उचित है प्रभु। मुझे शीघ्र ही जाकर क्रूरासुर जी को सावधान करना होगा। ये दोनों मूषक गणेश जी के साथ, तो क्या छलिया ने बदल लिया अपना पक्ष, विरोधी हो गया है वो मेरा। नहीं क्रूरासुर जी, ये विघ्नकर्ता की चाल है और ये अवस्था रखी जो युद्ध में उनका सहायक बनकर उनकी सफलता में योगदान देगा वही उनका वाहन बनने के योग्य होगा। यदि ऐसा है तो फिर जाओ और जाकर छलिया को उसका प्रयोजन स्मरण कराओ कि मैंने उसे वहां क्यों भेजा है। उसे कहो कि उसी युद्ध में वो मूषकासुर का अंत कर दे, अन्यथा ये क्रूरासुर उन दोनों का अंत कर देगा। चुनौती देने का यही परिणाम होता है मृत्यु। सुना था संगत का प्रभाव होता है, पर मैं ये कैसे भूल गई कि तुम जैसे मूर्ख पर तो उचित संगत का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। अपनों पर ही वार करोगे तो कार्य दिया है का स्मरण करो। बस उस मूषकासुर को मुझसे दूर रखो मित्र, तो उचित अवसर पाकर मैं गणेश जी को चुनौती दूंगा। Ah!
मुझे चुनौती दी थी ना तुमने क्रूरासुर, तो लो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। देव सेनापति कुमार कार्तिक है, छलिया भीतर खाती है और शत्रु से मिला हुआ है। अवश्य मूषक जी के प्राण संकट में है, हमें प्रथम पूज्य गणेश जी को सतर्क करना होगा। चिंता मत कीजिए देवराज, गणेश से कुछ भी छिपा नहीं है। मुझे विश्वास है ये जो कुछ भी हो रहा है ये मूषक जी की परीक्षा के लिए ही हो रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है मूषक जी पर कि वो इस परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। ये छलिया तो जैसे छल ही रहा है, ये असफल हुआ तो मैं इस पर वार करूंगी और इस मूषक का संहार करूंगी, किंतु इसे क्रूरासुर तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी। अपने अंकुश में रखिए श्री गणेश। तू क्या कर ये अंकुश, उस पर तनिक भी अंकुश नहीं लगा सकता। असुरो, तुम्हारा विनाश करूंगा मैं, प्रभु गणेश जी का सेवक। मित्र, धन्यवाद मित्र। मूर्ख छलिया, एक बार उचित प्रकार से नहीं कर सकता। मेरे अंकुश से तो वही सुरक्षित रह सकता है जिसे कोई वरदान प्राप्त हो। कहा था ना मैंने गजानन कि आपके इस अंकुश का तनिक भी प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। आपका अस्त्र तो बस वो मूषक ही बन सकता है, उसे मेरे निकट नहीं पहुंचना चाहिए। मैं सबको पराजित कर दूंगा। ये दुष्ट बार बार मूषक जी को ही क्यों देख रहा है, उनसे क्या संबंध है इसका? धन्यवाद मित्र छलिया, अब तुम देखना इस शूल की सहायता से मैं इन राक्षसों का कैसे वध करता हूँ। तुम्हारी ये भूल तुम्हारे जीवन का शूल न बन जाए छलिया। शीघ्रता करके अपना कार्य संपन्न करो, रोको उस मूषक को, बात करो उसका। युक्ति और शक्ति दोनों का प्रयोग करना चाहिए। तुमने युद्ध
करने का सामर्थ्य नहीं है मूषक, तुम इनका सामना नहीं कर सकते। थोड़ा समय अवश्य लगा, किंतु अब मेरी योजना सफल हो रही है। मूषक का अंत होने ही वाला है, किंतु मुझे गणेश जी को उलझा कर रखना होगा। उचित ही तो है ना गजानन, कि जब तक सफलता प्राप्त ना हो प्रयास करते रहिए। उचित कहा ना मैं, इसलिए करते रहिए, वार करते रहिए। गजानन, अब वार करने का समय समाप्त। अब मेरे आसुरी वार का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए। मूषक दुर्बल अवस्था में, मुझे अपने जाल के जंजाल में उसे उलझाना चाहिए। जीवन की अंतिम श्वास तक आशावादी बने रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का समय और उसकी सीमा अनिश्चित और अनंत है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।